नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से वीडियो में। और आप जो ये देख रहे हैं, ये हमारे अत्यंत ही प्राचीन जल के स्रोत है, जिनको हम बावड़ियाँ कहते हैं। और प्राचीन समय से लेकर अभी तक ये बावड़ियाँ वैसी की वैसी है जैसी कि बनाई गई थी। और आप देख रहे हैं कि इस जल के स्रोत में देवी देवताओं के भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई मिलेगी आपको। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह बनाया गया है, एक एक पत्थर को मिला के, और जैसे ऐसे लग रहा है कि सीमेंट की तरह इसको मतलब प्रॉपर तरीके से पैक किया गया है। एक एक पत्थरों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, और पानी आने के लिए पीछे से एक रास्ता रखा जाता है जिससे पानी आता है। तो हमें अभी भी याद है कि बचपन में हम यहीं से ही पानी ले जाया करते थे। उस टाइम नलके वगैरह कम हुआ करते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका पानी कम होता जा रहा है, क्योंकि जो सड़कें वगैरह निकल रही है इसके साथ में, तो उसकी वजह से जो इसका मेन सोर्स है पानी का पीछे, वो डिस्टर्ब हो रहा है, पानी इधर उधर जा रहा है। और इन बॉडियों की जो सबसे मतलब मेन बात है वो ये है कि इनमें ना सर्दियों में आता है गर्म पानी और गर्मियों में इसमें ठंडा पानी आता है। सर्दियों में हल्का सा कोसा पानी आता है।